देखिए सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हुआ करती, महिलाएं अपने पति की वफादार हैं, इस देश की ये परंपराएं हैं। अपनी पत्नियों को पढ़ाएं और उस SDM की तरह ना समझें जिसने कि अपने पति के साथ ये सुना। सांप तो काट के निकल गया, लकीर पीट रहे हैं अब। इसकी अब पैर धोने से या बुलडोजर चलाने से क्या फर्क पड़ेगा? SDM बनने के बाद अपने पति को छोड़ने को लेकर बरेली में तैनात ज्योति मौर्य इन दिनों चर्चा के केंद्र में है और लगातार ट्रोल हो रही हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर ज्योति मौर्य और उनके पति के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अब मुरादाबाद के सपा सांसद ST हसन ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि किसी एक महिला के इस तरह के कृत्य के मद्देनजर अन्य महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। भारतीय परंपरा में महिलाओं का एक विशेष और सम्मान स्थान है। हमें अपनी बेटियों को और लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता द्वारा आदिवासी युवक के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीड़ित के पांव धोकर सम्मान करने को उन्होंने कोरा ड्रामा बताया। भाजपा का नाम लिए बगैर उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि यह लोग इस तरह के कृत्य करने के लिए जाने जाते हैं और समाज में विभेद पैदा करते हैं। जब डस कर निकल गया तो ये लोग पीड़ित के पांव धो धोकर लकीर पीट रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। देखिए सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हुआ करती, महिलाएं अपने पति की वफादार हैं, इस देश की ये परंपराएं हैं। अगर कोई स्पोरेडिक कहीं कोई ऐसा केस हो गया जैसा आपने बताया, वो महज एक इत्तेफाक है। मैं समझता हूँ कि अपनी पत्नियों को पढ़ाएं और उस SDM की तरह ना समझें जिसने कि अपने पति के साथ ये सलूक करा। मध्य प्रदेश में जो एक घटना हुई, जो एक युवक के ऊपर एक पेशाब करने वाली घटना थी, तो उसने उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनके पिता के पैर धोए और उनका आपको क्या लगता है कि तवा ड्रामा हो रहा है? सांप तो काट के निकल गया, लकीर पीट रहे हैं, अब क्या होता? जो होना था वो तो हो गया। ये तो मानसिकता आपने फैलाई है ना, आपने इंसानों में आप ही लोगों ने तो फर्क करा है। अब इसकी अब पैर धोने से या बुलडोजर चलाने से क्या फर्क पड़ गया? लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने इंसाफ किया है, बुलडोजर चला दिया है। जो कहा जाता था कि बुलडोजर की कार्रवाई अपने लोगों पर नहीं की जाती है। नहीं, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया था उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी। बुलडोजर चलाने का क्या उचित है? कानूनी सजा मिले उसको। अब शिवराज सिंह चौहान साहब ने उसके पैर भी धोए, आदिवासी लड़के के या उसके बाप के, तो इन सब ये तो सब एक ड्रामेबाजी है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।